13,000 रुपए महीने कमाने वाले नंदू पासवान के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए कैसे आए? सर ये मानने वाली बात ही नहीं है, कुछ का करोड़ों का लेन देन है। गरीब आदमी जो 13,000 रुपए सैलरी लेता है। तो हमें भी बड़ा शौक लगा ये सुन के। सैलरी से नंदू ने 3 साल में 1,00,000 रुपए कमाए तो फिर बैंक बैलेंस 30 करोड़ कैसे हो गया? 3-3.5 साल से काम कर रहा है, कभी आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं। आईटी की टीम को पता चला है कि जो अकाउंट है वो अकाउंट नंदू पासवान के नाम पर है। मामूली केबल टीवी ऑपरेटर का काम करने वाले नंदू के पास इतना पैसा कहां से आया? ना तो हमने कभी देखा उसके पास इतना पैसा, ना कभी सुना, कभी कोई बात नहीं हुई, ना कभी बताया, ना कोई जानकारी नॉलेज है बिल्कुल। क्या बैंक अकाउंट से करोड़ों का लेन देन करके नंदू को फंसाया गया है? कभी किसी बारे में बात नहीं हुई जी कि इतना अमाउंट उसके अकाउंट में है। नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक की ब्रांच में आयकर विभाग की जांच के बाद फर्जी कंपनियों के नाम पर 26 बैंक अकाउंट्स का पता चला था। आशंका है कि इन खातों से करोड़ों की ब्लैक मनी को सफेद किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। क्या फर्जी अकाउंट के चक्रव्यूह में नंदू को फंसाया गया है? दरअसल ये वही फंदा है जिसके लिए पीएम मोदी ने अमीरों को चेतावनी दी थी। पीएम ने कहा था कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनके गरीब भाई मुश्किल में फंस जाए। नंदू या ऐसे मामले किसी एक बैंक के नहीं है, और न ही हम ये कह रहे हैं कि किसी बैंक में काम करने वाला हर अधिकारी भ्रष्ट है या हर बैंक में गड़बड़ी हुई। तो क्या कुछ बैंक कर्मचारियों के काले को सफेद धन बनाने की जालसाजी से नोटबंदी की ये नंदू कथा सामने आई? रिपोर्ट देखिए। लगातार काम करके जिन बैंक कर्मचारियों पर करेंसी क्रांति को सुपरहिट बनाने का जिम्मा था, क्या उनमें से ही कुछ अधिकारियों ने एक गरीब को फंसा दिया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस नंदू पासवान के बैंक खाते में 30 करोड़ का लेन देन होने की बात की जा रही है वो एक केबल टीवी ऑपरेटर है। लेकिन नोएडा की सेक्टर 51 की एक्सिस बैंक की ब्रांच में हुई जांच के मुताबिक नंदू हिमांशी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है। बैंक में नंदू का एक चालू और एक बचत खाता है। 15 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद पता चला कि चालू खाते से 29 नवंबर तक 28 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसी ब्रांच में 15 मार्च को खोले गए बचत खाते से 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन भी हुआ। इस अकाउंट से ज्यादातर लेन देन ऑनलाइन किया गया, यानी पैसों का लेन देन RTGS और NEFT के जरिए हुआ। वर्षों से नंदू को जानने का दावा करने वाले और उसके साथ काम करने वाले दोस्त अरविंद के मुताबिक पैसे वालों का कालाधन बचाने की साजिश में एक निर्दोष को फंसाया गया है। सर ये मानने वाली बात ही नहीं है, कुछ का करोड़ों का लेन देन है। हमारे साथ काम करता है, 3-3.5 साल से काम कर रहा है, कभी आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। भगवान रहने का स्टाइल अब कुछ ऐसा पता चला? रहने का मेरे ही साथ रहता है, सोता खाता पीता, हम सब साथ में खाते पीते हैं, कोई दिक्कत यहीं पे सोते हैं नीचे जमीन में। कोई आज तक ना कोई बातचीत करी इस बारे में? ऐसा हो ही नहीं सकता जी, गरीब आदमी जो 13,000 रुपए सैलरी लेता है, ये किसी और का खाता है या किसी और ने डाले होंगे अगर है तो, बाकी हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है जी। साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी कहना है कि नंदू के ने उन्हें कभी इस बारे में बताया भी नहीं है, लेकिन नंदू ने नोएडा पुलिस को भी जानकारी दी है और बताया कि उसका फर्जी अकाउंट खोला गया है, फर्जी कंपनी खोली गई है, बैंक में अकाउंट खोला गया है जिसमें करोड़ों का लेन देन हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो IT की टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पीतमपुरा में NP ब्लॉक में नंदू पासवान रहता था और यहीं से केबल ऑपरेटर का काम भी करता था। नंदू के मालिक अन्नू पाहुजा भी 30 करोड़ रुपए वाले बैंक खाते की खबर सुनकर शॉक्ड हैं।
नंदू हमारे पास तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहा है और उसकी 12-13 हज़ार रुपये सैलरी है। और अकाउंट का जहाँ तक कि हमें पता लगा, जब यहाँ आईटी टीम ने रेड किया, उसको पकड़ा तो उससे बात की, तो उसको भी अकाउंट का नॉलेज नहीं है ये कैसे खुला, उसका कहाँ है। तो जैसा कि आईटी टीम ने हमें बताया कि इसका कोई करंट अकाउंट खुला हुआ है जिसमें प्रोपराइटर है किसी फर्म में। आईटी की टीम को पता चला है कि जो अकाउंट है वो अकाउंट नंदू पासवान के नाम पर है और जो कि पीतमपुरा के इलाके में रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पीतमपुरा का एनपी ब्लॉक है, मकान नंबर 129 है। और जो सेकंड फ्लोर देख रहे हैं वहां पर केबल ऑपरेटर का काम करता है नंदू पासवान। बैंक फर्जीवाड़े के शिकार बने नंदू ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद ईडी ने नोएडा पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेकर जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स वाले आए थे, उनको बताया कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी देखो जी वो उसे साथ लेके गए जो आज तक नहीं आया वापस। नोटबंदी के बाद देश भर में हो रही छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 3100 करोड़ से ज्यादा के कालेधन का पता लगाया है। नोएडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में जांच के दौरान पता चला कि 20 फेक कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए और अभी इस मामले में जांच जारी है। 15 दिसंबर से ही आयकर के अधिकारी नंदू से पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके नाम से फर्जी अकाउंट खोला गया और इस अकाउंट में इतनी भारी रकम कहां से आई। नंदू के मामले में नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस ब्रांच के कर्मचारियों पर शक इसलिए है क्योंकि बिना बैंक कर्मियों की मर्जी के ना तो फर्जी अकाउंट्स खोले जा सकते हैं और ना ही उन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा किए जा सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके 2-3 रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आईडी प्रूफ होता है, एक एड्रेस प्रूफ होता है। अगर करंट अकाउंट है उस केस में क्या होता है कि केवल ये देखना होता है कि वैट का रजिस्ट्रेशन या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है। इसमें होता क्या है कि लोग जनरली बहुत बार फोर्स साइन भी कर लेते हैं, बहुत बार जेन्युइन साइन होता है, उस आदमी को पता नहीं होता है और उसके बिहाफ पे सारी कंपनी खेली जाती है, उसको किसी भी तरह का कुछ पता ही नहीं चलता है, सारे चेक को खुद साइन ना करके हो सकता है, बहुत बार आरटीजीएस हो जाता है, अलग अलग ट्रेंड होते हैं। नंदू सालाना करीब 1 लाख रुपए कमाने वाला एक केबल ऑपरेटर है। इस बैंक की ब्रांच में जो खाते फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए हैं उनमें से ज्यादातर के डायरेक्टर मजदूर हैं। तो क्या नंदू का अकाउंट भी फर्जी दस्तावेजों की मदद से खोला गया और करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को सफेद किया गया। कि बहुत तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बैंक का भी रोल होता है क्योंकि बैंक को बहुत हद तक पता होता है कि ये तरह के फेक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। 100% नहीं पता होता लेकिन बहुत हद तक, मैं ये पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत हद तक बैंक को ये समझ में आ जाता है कि ये अकाउंट उस तरह के ट्रीटमेंट में लिए जा रहे हैं। हिमांशी इंटरनेशनल कोई फर्म है जिसके नाम से वो, जिसका वो प्रोपराइटर है जो अकाउंट खोला एक्सिस बैंक नोएडा 51 सेक्टर ब्रांच में, तो वहाँ पे उसका अकाउंट खोला उस फर्म के नाम से। तो अब वो ना तो उसको नोन है वो फर्म, ना हमारा कोई नोन है उसमें कि कौन बंदा है वो, किसका अकाउंट है और कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचे, कैसे क्या हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है तो पता लगेगा। अब 2-3 दिन से वो उनके साथ ही है नंदू। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में फर्जी खातों के जरिए अवैध लेन देन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पूरे मामले में एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा ने कहा है, कुछ कर्मचारियों के बर्ताव से हमें शर्मिंदगी और परेशानी उठानी पड़ी है। बैंक ने अधिक सावधानी सुनिश्चित करने और जांच को बढ़ाने के लिए केपीएमजी को फोरेंसिक ऑडिट नियुक्त किया है। फिलहाल आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पैसा किसका है और कौन शख्स है जिसने ये खाता खोला। रूफी जैदी, नीरज गौड़ और राजू राज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया। और नोटबंदी के बाद आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस के छापे में लगातार कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। 25 नवंबर को एक्सिस बैंक के कश्मीरी गेट ब्रांच पर छापा मारा गया और यहां 40 से ज्यादा फर्जी अकाउंट मिले और इन बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा अघोषित आमदनी का पता चला। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर्स को पकड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनके पास 3 किलो सोने की ईंट भी मिली। और इसके बाद 6 दिसंबर को एक्सिस बैंक ने 24 अफसरों को सस्पेंड किया। इन अफसरों पर अवैध काम में शामिल होने का आरोप था। 15 दिसंबर को हुई जांच में नोएडा के एक्सिस बैंक में 20 फर्जी खाते मिले और यहां 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति भी है। यानी कि फेक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं और काले धन को सफेद करने की कोशिशें लगातार जारी।